Hey guys, my name is Khushi and today's topic discuss now community bag. Community bag में कौन कौन से article instrument होते हैं वो आज हम जानेंगे. जब हम community area में जाते हैं अपनी duty करने के लिए as a visitor, तब हमारे client को हम assist करते हैं. उनमें हम देखते हैं कौन सी उसको disease हो रही है और वो disease हम prevention करते हैं, primary level of prevention, कि वो disease आगे spread ना हो और बाकी community तक फैले ना. आइए देखते हैं CHN bag. उसे देखने से पहले हाउ टू पुट CHN बैग, यानी कि कम्युनिटी बैग हम कैसे पुट करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर वे होता है उसके. जब भी कोई नर्स या विजिटर जब भी कम्युनिटी एरिया में जाता है तो बैग को पकड़ने का तरीका ऐसे, हम बैग को पकड़ते हैं लाइक दिस, बैग को हम ऐसे पकड़ते हैं. और जब जब हम उस एरिया में जाते हैं जहाँ हमें प्रोसीजर करनी होती है, उस क्लाइंट के घर यानी कि जहाँ भी हमें प्रोसीजर करनी होती है, वहाँ जो एरिया होता है, हमें CHN बैग को रखना कैसे है, हमें न्यूज़पेपर निकालना है ऐसे फोल्ड किया हुआ, और 6 स्टेप फोल्ड किया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमें आउटर लेयर ही टच करना है, इनर सरफेस न्यूज़पेपर को टच नहीं करना है. फिर हम कम्युनिटी बैग को इस तरह रखेंगे लाइक दिस, साइड कॉर्नर पे, पेपर के साइड कॉर्नर में हम CHN बैग को रखेंगे. और फिर जो भी पार्ट बचा हुआ होता है पेपर में, हम सारे इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल निकाल के बाहर रखेंगे, हमें जो प्रोसीजर करनी है वो. तो उसके कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट आउटर कंपार्टमेंट, 2 साइड कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट आते हैं, लोअर और अपर कंपार्टमेंट. फर्स्ट हम देखेंगे साइड कंपार्टमेंट. जब भी हम विजिटर तरीके जाते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है, हैंड वॉशिंग करना होता है. तो ये जो साइड कंपार्टमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट सैनिटाइजर, तो हम सैनिटाइजर यूज करेंगे. प्रॉपर वे में लाइक दिस. और जो सैनिटाइजर ना हो तो हम सोप का भी यूज कर सकते हैं, हैंड हाइजीन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO. और फिर ये ब्रश, जब हम हैंड हाइजीनिंग करते हैं तब नेल को वॉश करने के लिए, यानी कि नेल को साफ करने के लिए. फिर दूसरी साइड ये टॉवेल, टॉवेल हम यूज करते हैं हैंड हाइजीनिक के बाद. अब हम देखेंगे साइड कंपार्टमेंट में इतना होता है, ओके. और फिर हम देखेंगे आउटर कंपार्टमेंट. आउटर कंपार्टमेंट में ये शबनम बैग होती है, उस बैग में हम जो भी हमारा डाटा कलेक्ट करना होता है, सारे जो फाइल्स उसमें रखते हैं, और जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम इस बैग में नहीं रख सकते, लाइक दिस स्टेथोस्कोप या BP इंस्ट्रूमेंट, वो हम इसमें रखते हैं शबनम बैग. ये म्यूकस एस्पिरेटर है, जब कोई भी पेशेंट या क्लाइंट को म्यूकस निकालना होता है उसका हम यूज करते हैं म्यूकस एस्पिरेटर. म्यूकस को हम एक्सक्रीट करते हैं. फिर ये बैंडेज, जब हम ड्रेसिंग करते हैं तभी बैंडेज काम में आता है. और नोट, जो भी हमें नोट करना हुआ होता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, या हम जब विजिट करते हैं और उस कम्युनिटी एरिया में हमें जो भी डिसीज मिलते हैं, कौन कौन से स्प्रेड हो रहे हैं, उसमें हम नोट कर सकते हैं. और डायग्नोसिस करने के लिए और पेशेंट के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें नोट करने के लिए ये नोट चाहिए. फिर सीरिंज, सीरिंज है हमारे पास सारी, ये 2 ml सीरिंज, 5 ml सीरिंज एंड 10 ml सीरिंज. सेकेंड ये पेंसिल, शार्पनर और रबर, बस
इतना ही होता है आउटर कंपार्टमेंट में। फिर हम देखेंगे इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में टू टाइप होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट, ये वाला पार्ट। ओके, अपर कंपार्टमेंट में फर्स्ट ये स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को यूज हम बीपी मेजरमेंट के लिए करते हैं और पल्स रेट चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वुमन हो और उसके वूम में जो भी बेबी है उसकी साउंड सुनने के लिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट के लिए, स्पिरिट, चाइल्ड वेट स्केल, जो भी बेबी है उसका वेट मेजर करने के लिए, और ये स्पेशली डिलीवरी के लिए यूज होता है। डिलीवरी मटेरियल जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए ये काम आता है। किडनी ट्रे, बाउल, सिंपल सीजर। सिंपल सीजर कोई भी ड्रेसिंग है कट करने के लिए यूज होता है। आर्टरी फोर्स है, कर्ड आर्टरी फोर्स है, उससे हम कॉटन पैड बनाते हैं। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए होता है। और ये डिसेंडिंग फोर्सेप्स, यानी कि जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है कॉटन में उसको सोक करने के लिए, नॉन टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप्स। मेकिंग टोस, पोटेशियम परमैग्नेट, कैफलॉक्स, ये ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे काइंड का, सॉफ्रेन स्किन क्रीम, मेजर टैप, फिटोस्कोप, जो भी वूम में जो भी प्रेग्नेंट मदर होती है उनके वूम में जो फिटस होता है उसको ये मेजर करने के लिए फिटोस्कोप। और फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होल्ड करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को। ओके, अब लोअर कंपार्टमेंट नेक्स्ट। फर्स्ट स्पिरिट लैंप, उसमें स्पिरिट डाल के हम उसे जलाते हैं। एप्रन, क्लोथ प्रिवेंट करने के लिए, क्लोथ बगड़े नहीं इसलिए। चम्मच, कोई भी सॉल्यूशन लेना हो इसलिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है। स्लाइड, स्पेसिमेन कलेक्शन, जो भी यूरिन का कलेक्शन लेते हैं। ड्रॉपर, उससे हम जो भी कलेक्शन लेते हैं ये ड्रॉपर। नेक्स्ट स्पिरिट, स्पिरिट होल्डर। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन यूरिन कलेक्शन लेते हैं उसमें हम एल्ब्यूमिन की जांच करते हैं, क्रिएटिनिन की जांच करते हैं। जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन है उसे हम ड्रॉप से लेते हैं और ऐसे ये टेस्ट ट्यूब को होल्डर से पकड़ते हैं और उसमें ड्रॉप डालते हैं और जो भी सॉल्यूशन डालना हो वो डालते हैं। फिर उसके बाद ये स्पिरिट लैंप को जलाते हैं, ये स्पिरिट डाल के और उसमें होल्ड करते हैं और के बाद उसमें हम स्लाइड लेके जांच करते हैं। ओके, लोअर कंपार्टमेंट में इतना ही था। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।